घूर क्या रहे हो आप? पप्पी लोगे क्या इसकी? मार दो ना डंक। लोगों ने मुझे देख लिया है, अब मुझे रूप बदलना पड़ेगा। आपकी तो चम्मच में ही छेद है, हाथ को या मुंह नहीं लगा। ऐसा मैं नहीं, कालों वाले बोलेंगे। अरे आराम से आराम से आराम से। भैया जा, वो देखिए बालवीर भेष बदल के आया है। आप ठीक है ना? लीजिए पानी, लीजिए लीजिए। बालवीर ही है ये, भेष बदल के आया है। वाह, मान गए बालवीर को। मतलब आपको देर आए दुरुस्त आए। अब जल्दी मार दीजिए डंक, वरना आपको भेष बदल के काल लोक पे घूमना पड़ेगा। शुक्रिया मैम, आप बहुत लकी हो, आपको बालवीर ने बचाया है। आप बालवीर हैं? नहीं नहीं नहीं, मैं काहे का वीर, मैं तो सिर्फ आपको पानी पिलाने के लिए आया था। बालवीर ने टेम्पो को रोका था, लेकिन कोई उससे मिलता उससे पहले ही वो उड़ गया। अब चलिए मैं आपको घर छोड़ देता हूँ, आइए। कहाँ रहती आप? भारत नगर। अरे फिर घूमने लग गए आप? अरे आपको सही डसना था तो फिर ये जीरुआ को यहाँ क्यों लेके आए? चुप रे। अगर इसमें बालवीर की कोई चाल हुई तो मुझे सामने लाने के लिए। अगर परियां यहीं कहीं छुपी हुई होंगी तो हमें बालवीर को ऐसी जगह पे ढूंढना होगा जहां पे वो बिल्कुल अकेला हो। वाह, दिमाग तो चलने लगा आपका मेरी संगत में रह के। ऐसा मैं नहीं बोल रहा हूँ। रिक्शा रिक्शा, आइए। अब मुझे बालवीर पे नजर रखनी होगी। भारत नगर चलोगे? नहीं। ठीक है, दोबारा मत बोलना, पूछा नहीं। अरे क्या कर रहे हो? राजा को मना करते हो? अरे चलूंगा चलूंगा, भारत नगर चलूंगा। वाह विवान, रिमोट से चलने वाली कुर्सी। विवान तू इसमें दो कुर्सी और फिट कर दे, फिर हम लोग रोज इस पर बैठकर स्कूल जाया करेंगे। हाँ वैसे तेरा आइडिया बुरा नहीं है, पर ये चेयर मैंने हमारे लिए नहीं दादाजी के लिए बनाई है। दादाजी के लिए क्यों? उस कचरा फेंकू को पकड़ने के लिए दादाजी पूरे मोहल्ले में पहरा देने वाले हैं, और वो चलते चलते थक ना जाए इसलिए मैंने ये चेयर बनाई है। देख रही चिंटी, हमारे पापा का प्लान फेल करने का प्लान बन रहा उधर। जो हम होने नहीं देंगे चिंटू, इस मोहल्ले के असली विलन हम हैं। हैरानी, कब कहां और कैसे पकड़ेंगे आप उन्हें, परियों को? ये क्या है बहरानी?
ये परीलोक के वो खास पत्थर हैं जो उसी धूल से बने हैं जिस धूल से परियां बनी हैं। और इन्हीं पत्थरों की तरह परियां भी अंधेरे में चमकने लगती हैं। और मान लो ये धरती का सूरज है, उनके परमात्मा का सूरज जिसकी रोशनी में वो परियां नहीं चमकती, लेकिन अब तिमनासा का सूरज चमकेगा। असली सूरज ढलने से पहले मेरा सूरज आसमान में होगा जिसकी रोशनी में वो सारी परियां चमकने लगेंगी, और फिर और फिर सारी परियां खत्म सारी परियां। नन्ही उंगली की कसम भैरानी, आप महान है आप, लेकिन भैरानी आपका सूरज है कहां? ये लीजिए। अब आपका घर आ गया, मेरा काम खत्म। ये लीजिए। अरे जाओ नहीं, सुनो एक बात बताओ, अब बालवीर ने मुझे बचाया है तो मतलब बालवीर है ही ना सही में? पर मेरा बेटा तो बालवीर को मानता ही नहीं, एकदम एंटी बालवीर है। तुम जरा चल के उसे बताओ ना, मेरा बदमाश बेटा बालवीर के बारे में जानेगा तो कुछ सीखेगा ना उससे। नहीं, मुझे थोड़ा जरूरी काम है। मैं बोला नहीं चलो। अरे ये देखो, वो कांच देख रहे हो जिसका वेंटिलेटर बन गया है? हाँ, मेरे बेटे की करतूत है। वैसे तो किसी चीज में फर्स्ट आता नहीं है, लेकिन अगर तोड़ने फोड़ने का कॉम्पिटिशन होगा ना तो एकदम फर्स्ट आएगा। हाँ, मैं भी बिल्कुल एक ऐसे ही बच्चे से मिला था जो तोड़ने फोड़ने में एक्सपर्ट था। अरे मेरे बेटे का ही स्टूडेंट होगा, चलो ना तुम समझाओ उसे। अक्रूर बोलो तिमनासा, समय आ गया है परियों के चमकने का। चमकेंगी परियां तिमनासा, और आज मरेंगी भी। ये है मेरा सूरज जो आज शाम पृथ्वी के आसमान में चमकेगा। इस मोहल्ले में अगर परियां ना हुई तो ये बालवीर का आखिरी भलाई का काम होगा। चलो रुको यहीं पे, जेल में डाल दूंगा तुम दोनों को। अरे पिछले सिग्नल से सीटी पे सीटी बजा रहा हूँ, सुनाई नहीं देता तुम लोगों को? कंचे डाल रखे क्या कानों में? कहाँ, मैं फ्री टाइम में सिर्फ कंचे कलेक्ट करता रहता हूँ, और तू इन टूटी फूटी चेस से रिमोट वाली चेस बना देता है। सच में विवान कितना स्मार्ट है तू। बस यार स्मार्टनेस ही तो कमाई है मैंने। अच्छा मैं जरा इस कुर्सी के बारे में दादाजी को बता के आता हूँ 1.5 घंटे में। इतनी सी बात बताने में 1.5 घंटा लगेगा तुझे? अरे नहीं नहीं, मुझे बताने में तो सिर्फ 2 मिनट लगेगा, फिर दादाजी जो मुझे जवाब देंगे ना उसमें टाइम लगेगा, वो खत्म होते होते 1.5 घंटा तो हो ही जाएगा। पर तू 1.5 घंटे के लिए जा रहा है, तब तक हम क्या करेंगे? बुला लेना अपने बालवीर को। अरे हाँ मैं तो भूल ही गया, जो चीज है ही नहीं उसे बुलाओगे कैसे?
ये हंसी तो उस गेंडे चिंटू की है, लोग सुन लेंगे। मैं भी देखता हूँ कैसे चलती है उनकी कुर्सी। उसी ने जिसका दिन बहुत खराब होने वाला है। आज तुम दोनों का दिन बहुत खराब है जो मैं तुमसे टकरा गया, क्योंकि ना तो मैं रिश्वत लेता हूँ और ना ही किसी को आसानी से छोड़ता हूँ। नाम नाम बताओ तुम दोनों का। अरे देख क्या रहा है, चालान काटना, नाम बता। जेरुआ। इसे ही मरता देख इतना मजा आया है। तो सोच बालवीर को मरता देख कितना मजा आएगा। आओ आओ, ये है हमारा घर, आओ ना। मैं आपके बेटे से बाद में मिलूंगा, अभी मैं चलता हूँ। अरे बोलो नहीं, सुनो थोड़ी देर तो बैठो। बस मैं ना अभी पानी लेकर आती हूँ। सलमान भाई की तरह एहसान से एलर्जी है, और खबरदार जो एहसान किया, मैं सर पे ऐसा चढ़ूंगा कोई उतरने का नाम ही नहीं लूंगा। चलो अभी चलो। लेकिन अरे सुनो तो, इनकी जिद और इनके बेटे की करतूतें वो शैतान लड़के से कितनी मिलती जुलती है। वाह विवान, तूने चेयर फिर से फिक्स कर दी। कुर्सी तो मैंने फिक्स कर दी, अब चिंटू को अनफिक्स करना है। कौन सा गाड़ी रोक दो। अरे यार, अरे कोई गाड़ी रोको। अरे भाई रोक दो ना यार, कोई गाड़ी रोक दो। अरे यार यार, कोई कोई तो रोक दो यार उस गाड़ी को। यार कोई तो रोक दो। देख मेरी रेसिंग चेयर की टर्बो स्पीड। ये है मेरा बेटा विवान। ये है आपका बेटा? हाँ, तुम जानते हो इसे? एक बात बताओ, इस सुपर हीरो की कॉस्ट्यूम में जब जोर से लगती होगी तो जाते कैसे हो? नहीं नहीं नहीं, मैं तो बस ये कह रहा था कि कितना प्यारा बच्चा है आपका। हाँ बहुत प्यारा है, और मेरे दिल का टुकड़ा भी है, पर बहुत शरारती है। अच्छा तुम रुको, मैं चाय लेकर आती हूँ। हाँ भगवान, क्या गलती हो गई मुझसे, क्यों घुमा फिरा के बार बार इसी लड़के से मिलवा देते हैं। विवान, हम चिंटू को इतना परेशान कर रहे हैं, कहीं बालवीर आ गया उसे बचाने तो। अरे यार, पहली बात तो दुनिया में बालवीर वगैरह कुछ नहीं होता, पर अगर आ भी गया ना तो मैं उसे अपने दादाजी से मिलवाऊंगा। ऐसी जलेबी बनाएंगे ना कि बालवीर को समझ ही नहीं आएगा कि दादाजी को रोके कैसे और भागी कहां से, और फिर बालवीर इस मोहल्ले में कभी वापस ही नहीं आएगा। अभी अभी मेरी बहू करुणा ने बताया कि आपने किस तरह उसकी मदद की,
उसे घर तक लाएं। आप महान हैं। मैं पूरे दिल से आपका धन्यवाद अदा करना चाहता हूं। आपकी महानता देखकर मुझे नारियल का पेड़ याद आ गया। नारियल का पेड़? हाँ, जैसे नारियल का पेड़ जब छोटा होता है तो उस पौधे को इंसान पानी देता है, धीरे धीरे कर वो पेड़ बड़ा हो जाता है, लेकिन वो नारियल का पेड़ कभी ऐसा नहीं भूलता, सालों साल पानी देता है, नारियल देता है, ठीक उसी तरह जिस तरह तुमने हमारी मदद की। अब पता नहीं इस इंसानियत का एहसान हम चुका पाएंगे या नहीं। अब मुझे थोड़ा जरूरी काम है, मैं करके आता हूँ। अरे नहीं 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 बेटा, अभी भी मेरे अंदर से धन्यवाद निकल रहे हैं। मेरे धन्यवाद के बांध को खुलने दो, मुझे कुछ कहने दो। अब इस बालवीर की किस्मत उस बालवीर के हाथों में है, और उस बालवीर को ढूंढना इस बालवीर के हाथों में। कहाँ फंस गया मैं? काश मरिया कम से कम नया बालवीर ढूंढ रही हो। देखो ये हो सकता है नया बालवीर। नहीं, इसके हाथ में वो निशान नहीं है। नेत्रा परी, ये वाला, ये हो सकता है? नेत्रा परी, सरल परी, हम वहाँ नए बालवीर को ढूंढ ढूंढ के थक गए, और तुम दोनों यहाँ इस यंत्र को लेके बैठी हो। अरे हम भी यहाँ बैठे बैठे नई बालवीर को ढूंढ रहे हैं। देखो क्या? हाँ। किस गांव में? अरे इंस्टा के। देखो इसे कहते हैं फोन, इसमें लोग बात भी कर सकते हैं और लिख भी सकते हैं, और देखो इसी में है ये इंस्टाग्राम। रे वाह, ये तो बड़ा कमाल का गांव है, मुझे भी बसना है इस गांव में। और देखना बैठे बिठाए मिल जाएगा इसी गांव में हमें हमारा नया बालवीर। मुझे तो बहुत चिंता हो रही है, पता नहीं कब मिलेगा हमें हमारा नया बालवीर। आज का दिन भी बीत गया और अब तो सूरज भी ढलने वाला है। आज जैसे ही पृथ्वी पर सूरज डूबेगा, उससे पहले तिमनासा का सूरज आसमान में चमकेगा। आज परियों का दिन लंबा तो होगा, आखिरी भी, क्योंकि आज परियां तो चमकेंगी लेकिन उनकी किस्मत नहीं। वाह रानी वाह, नन्ही उंगली की कसम, मैं तो दिन पे दिन आपका वो होता जा रहा हूं कायल। लेकिन बहरानी, धरती पर तो आपकी चलती नहीं शक्तियां, फिर बिना शक्तियों के आप परियों को धरती के उससे बाहर कैसे निकालेंगे वायुमंडल से? साम दाम दंड भेद, ये एक ऐसा भेद है जगदाली जो सिर्फ होने के बाद ही खुलेगा। जाने अनजाने बालवीर मुझे ऐसी तरकीब दे गया जो मैं उसी के खिलाफ इस्तेमाल करूंगी, क्योंकि अब तिमनासा नहीं रुकेगी। कोई रोको इस गाड़ी को, अरे कोई तो रोको यार। सॉरी अंकल। बेटा ग्रंथों में लिखा है असली सुख दूसरों की मदद करने से ही मिलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही लिखा गया है, मुझे बहुत सुख मिल गया, अब मैं चलता हूँ। अरे नहीं नहीं बेटा, अतिथि देवो भव, आप हमारे लिए देव हो, इसीलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि इनका तो धन्यवाद ही खत्म नहीं हो रहा, इतना उत्तराधिकारी कब ढूंढूंगा मैं। अब तुम बहुत पीटने वाले हो, क्योंकि महाराजा को बच्चों को पीटने में बहुत सुख मिलता है।
चिंटू। ए बीबल के पेड़, नीचे उतार चिंटू को। हमारे मोहल्ले के लड़कों को हमारे शोर कोई याद नहीं लगा सकता। अंकल, मैं तो इसकी वजह से डर रहा है। रिमोट तो इसके हाथ में था, मैंने कुछ नहीं किया।